नमस्कार, मैं हूँ जोया अब्बास और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पिछले 2 सालों में कोरोना से हर इंसान परेशान है और अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन आ गया है जिससे लोग परेशान हैं। लेकिन बिहार में कोरोना से भी खतरनाक संक्रमण सामने आया है जिसमें संक्रमित व्यक्ति जो है उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे और सोने दिखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहाँ बिहार के जांच एजेंसियों ने एक अभियान शुरू कर दिया है ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ जो ऐसे संक्रमित हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे और सोने दिख रहे हैं। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं बिहार में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक संक्रमण पाया जा रहा है, जहाँ ये संक्रमण ऐसा है जिसमें बीमार व्यक्ति को केवल पैसे और ज्वेलरी ही दिखाई पड़ती हैं, बाकी उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। आपको बता दें, इस बड़े संक्रमण में बीमार लोगों की पहचान लगातार उजागर हो रही है। दरअसल बिहार की जांच एजेंसियों ने लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रखी है और इसमें लगभग हर दिन ऐसे बीमार भ्रष्टाचारी के ऊपर नकेल कसी जा रही है जो धन संपत्ति अर्जित करने के मामले में बुरी तरह से संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में सरकारी सेवकों के ऊपर विजिलेंस और उसकी विशेष इकाई की तरफ से जो कार्यवाही की जा रही है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए अकूत संपत्ति जमा करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जब एक्शन लिया जा रहा है तो उनके पास से मिलने वाली धन दौलत को देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं। आपको बता दें, इस छापेमारी में इंजीनियर के पास 95 लाख रुपए कैश और 66 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जो इंजीनियर ने पटना में खरीद रखी है। आपको बता दें, पटना के इंद्रपुरी इलाके में इंजीनियर के फ्लैट पर जब छापेमारी हुई तो विजिलेंस ब्यूरो के टीम के हाथ पाँव फूल गए। दरअसल कार्टून और ब्रीफकेस में बंद पैसों को देखकर अधिकारियों को ये लगने लगा कि गिन पाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा नोट गिनने की मशीन तुरंत मंगानी पड़ी। इंजीनियर के अलग अलग बैंकों में 20 खाते के बारे में भी जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, इंजीनियर ने 81 लाख रुपए के निवेश पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर रखे थे और 12 जमीन और फ्लैट की DD भी विजिलेंस की टीम को मिली है। आपको बता दें, इंजीनियर के फ्लैट से 1 किलो सोना और चांदी की 3 सीटें समेत 12 किलो चांदी के जेवर और बर्तन भी बरामद किए गए हैं। उसके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक TVU और एक सेंट्रो गाड़ी के अलावा 4 बाइक भी हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात अजय कुमार सिंह के ऊपर बीते 17 दिसंबर को ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। बिहार में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर नीतीश कुमार एक बार फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि सूबे में अब भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। लंबे अरसे से सुस्त पड़े विजिलेंस के अधिकारी एक बार फिर सक्रिय दिखे जा रहे हैं और पिछले 2 महीनों में आय से अधिक संपत्ति करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। नीतीश कुमार सहित विजिलेंस के अब सारे अधिकारी फिर से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।